मध्य प्रदेश की शिवपुरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं 91 न्यूज 9। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। शिवपुरी में सुहागरात के दिन एक युवक को पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है। इतना ही नहीं, परेशान पति ने मामले की शिकायत SP ऑफिस पहुंचकर की है। युवक भावखेड़ी गांव का रहने वाला है। पुलिस शिकायत में युवक ने कहा कि उसको सुहागरात के दिन पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है। पत्नी के किन्नर होने पर हैरान परेशान पति ने आनन फानन में सुहागरात में ससुर को फोन लगाकर नाराजगी जता दी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार युवक का नाम पंखी जाटव है, जिसने शिवपुरी के SP ऑफिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ शादी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। SP ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने से पहले युवक पत्नी को लेकर अस्पताल भी गया था, जहां महिला डॉक्टरों से उसकी जांच कराई गई तो पता चला कि उसकी पत्नी में महिला जैसे लक्षण नहीं है। पीड़ित युवक का कहना है कि शादी के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ है। फिलहाल उसने पत्नी को उसके घर भेज दिया है। युवक ने कहा कि अब ससुराल वाले पत्नी को रखने के लिए दबाव डाल रहे हैं और ससुर धमकी दे रहा है। घटना के संबंध में शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युवक ने आवेदन दिया है कि उसकी पत्नी किन्नर है और वो उसे प्रताड़ित कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी ने पति के खिलाफ महिला प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई है और पति पर उसको नहीं रखने का आरोप लगाया है। पत्नी ने भी पति से भरण पोषण की मांग की है। अब इस मामले में पुलिस जांच के बाद क्या एक्शन लेती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।